दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी संडे। और चलिए, आज मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रही हूँ कि जब बच्चे संडे को बहुत ज़्यादा बदमाशी करें ना, तो एक ऐसा ट्रिक मैं बता रही हूँ, आप भी फॉलो कीजिए, तो घर बहुत ही शांत हो जाएगा और सारी बदमाशी दूर हो जाएगी। तो चलिए, स्मार्ट मदर को क्या करना चाहिए? बस छोटा सा काम है, तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं वो ट्रिक कैसे फॉलो करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। आए हैं तो कुक जी, बताइए आप इसमें क्या क्या मैरिनेट करके डाले हैं, क्या क्या डाले हैं, जरा बताइए मेरे व्यूवर्स को, जरा जल्दी से बताइए। तो गर्मी बहुत है, क्योंकि दिमाग अगर सनक गया तो फिर मैं तेरी पिटाई करूंगी, इसे तू जल्दी बता मेरे को। चिकन, तेल, हाँ हल्दी, चिकन हाँ मसाला, कश्मीरी मिर्च, बस इसे चलिए। करके मैरिनेट करके थोड़ा देर छोड़ दीजिए, फिर कुकर में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा एक सीटी खाली कर दे तो अपने आप पूरा सीज जाएगा, उसको कढ़ाई में भून कर कीजिए तो टेस्टी बनेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, देखते हैं नए कुक क्या करते हैं। आ नहीं तो या तो खाना अच्छा बनेगा, नहीं तो खाना बर्बाद है बनेगा। एक सीटी लगा के थोड़ा सा सीटी, अब उसको सीटी क्या बोलते हैं, ढक्कन लगा दें। लाल मिर्ची, दालचीनी, इसके बाद थोड़े प्याज डालेंगे, थोड़ा और जब बच्चे बहुत ज्यादा बदमाशी करें तो उन्हें किचन में भिड़ा दीजिए, क्योंकि गर्मी सातवें आसमान पे गर्मी का भी पारा है और अपने बीपी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे बदमाश बच्चों को किचन में लगा दीजिए जैसे मैंने लगाई है। हाँ, तो अब आप क्या डाल रहे हैं? लहसुन, हाँ, अदरक, अदरक का कद्दूकस कर दे रही हूँ। चलिए, मसाला इनकी भून तैयार हो रही है, तो फिर मैं अदरक इनको कद्दूकस करके दे दूँ। वहाँ स्पेशल डिश बन रहा है आज, संडे स्पेशल। नमक डालें और अब क्या डाल रहे हो? मैगी मसाला, मैगी मसाला। किचन का तो जो हाल है ना, वो तो बाद में पता चलेगा मुझे साफ करने में। एक आराम के चक्कर में चलिए, अब पानी डाल दे, इसकी भुनाई करें जैसे तेरे ठुकाई करते हैं वैसे मसाला की भुनाई करें। चलो, बहुत ही मजेदार और खुशबू तो ऐसी आ रही है ना, मत पूछिए। काश आप लोग रहते तो मैं खिला देती आप लोग को भी। और किचन का तो मेरा हाल देख ही रहे, ये किचन का हाल इसने बेहाल कर दिया है। तो अब उसको जब मैं तक चलाना, जब तक इस सटे ना, तब और इसे मसाला के तक साथ, टमाटर जैसे यहाँ है, टमाटर जैसे निकल ना जाए टमाटर तब एकदम अच्छे से गल जाए, तब तक हमें इसकी भुनाई करनी है और साथ साथ छोटू की पिटाई भी करनी है। तक। बस चलिए, अभी थोड़े से सॉस डाल दिया ताकि टेस्ट में और जायके का तड़का लग जाएगा। और अभी से मैं गर्मा गर्म रोटी सेक देती हूँ और मज़ेदार। आज जो है सेफ आदित्य ने बहुत अच्छी खाना बनाई है, इसके लिए तहे दिल से इसके शुक्रिया, भेजा बहुत खाता है, तो आज ये इनने खाना बनाने का जिम्मा लिया। तो कभी कभी बच्चों को किचन में भिड़ाइए इसी तरह और सिखाइए। रखनी है तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं, क्योंकि बच्चा है।
बस जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी रख के और 5 मिनट तक बस पकाइए और लीजिए, मज़ेदार तैयार है। बस ओके बाय। ज़रूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि आज कैसा लगा मेरा छोटू का बनाया हुआ डिश। और आप लोग भी कभी कभी आपके घर में भी इस तरह के बदमाश बच्चे हैं तो संडे स्पेशल उन्हें भिड़ाइए और खुद आराम कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।